अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो गाइस, आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ क्या चीज़ आया है। हम आपको बता रहे थे कि चूल्हा और चिमनी दोनों खरीदे हुए हैं हम, लेकिन अभी घर पे नहीं आए, तो आज वो दिन आ गया और चिमनी और चूल्हा आ गया। तो चलो दिखाते हैं कैसे लगाते हैं उसको, मिस्त्री भैया आए। तो गाइस फटाफट से देखिए कैसे चूल्हा खुल रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। हमारे तो दिल में बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत मस्त चूल्हा है। जब इसको हम दुकान पर देखे तभी हमें बहुत पसंद आ गया था, लेकिन हम अब सोच रहे थे बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी ले लिए। एक ही बार इंसान लेता है सामान, बार बार तो लेता नहीं है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको खरीद लिए। हम और साहिल गए थे इसको लेने के लिए विजय सेल्स की दुकान से, तो इसको हम लेके आए नहीं थे, बाद में आया चूल्हा ये, तो आज आ गया। तो आज मिस्त्री वहाँ से आए हुए हैं लगाने के लिए, तो इसको आज लगाएंगे। तो देखो इसकी पैकिंग खोल के इसके किचन के काउंटर पर रख दिए हैं, अब इसको निकालें। इसमें देखो सेल भी है, सेल से इसके लाइटर हैं जो ना चलेंगे। तो इसकी पैकिंग सारी खुल गई, अब फटाफट से टेप भी निकाल देंगे। सब्र नहीं हो रहा जल्दी, हमें देखें जल्दी फटाफट चला के कैसे चलता है। बहुत मस्त लग रहा था देखने में, आपको भी दिख रहा लग रहा होगा देखने में, अच्छा है कि नहीं, मस्त है। तो इसमें अब बर्नर लगाएंगे, तीनों चूल्हे के बर्नर है, एक बड़ा सबसे बड़ा ये है, उसके बाद उधर का है, फिर बीच का सबसे छोटा है। देखो तीनों के बर्नर लगा दिए, अभी भैया इसको चलाएंगे फटाफट से। पहले लगा देंगे गैस की पाइप, तब चलाएंगे। गैस की पाइप इसमें लगा दिया, देखो इसमें लगाएंगे सेल, जैसे पहले टॉर्च में होता सेल, वही वाला टॉर्च वाला सेल इसमें लगेगा, सेम वही वाला सेल है बिल्कुल, उसी को लगा दिए भैया। ये सेल 2-3 महीने तक चलेगा बता रहे थे, तो इसमें सेल लगा के इसको चलाएंगे। इधर देखो चिमनी भी आके रखी हुई है, इसकी पैकिंग अभी खुलेगी, तो सेल अभी लग नहीं पा रहा सही से, जब लगा देंगे तब भी चलाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा के जाओ, फिर रात जाएंगे खोलने के लिए, सेल को लगा दे रहे थे तब तो उसको लगा दिए। चिमनी को चलेगा किलो, फटाखट कल चल गए लग रहा है, देख लें देख लें, तीनों चूल्हे जल गए, पटाख जलते जल, पटाख घुमाओ दबा के बस पट जल गए। इसी दिन का हमें इंतजार था बहुत दिन से, कैसे चूल्हे में ले खटखट वाला, खटखट वाला बोलते हम, लाइटर वाले बोलते खटखट वाले लगाना बेहतरीन। बस सब इसको रख बंद करेंगे वही, उसके बाद चिमनी लगाना शुरू करेंगे। हाँ इतने देर सही है ना भाई, घुमाओ फटाफट से बंद हो जाते हैं। ये है ना, ये जो छोटा सा इसमें रखा जाएगा स्टैंड, इस पर रोटी सेक सकते हो, या छोटा कोई कटोरी या पतीली रखना है तो उसको रख के रख दो। अब देखो इसकी साइज ले रहे हैं, चिमनी कहाँ लगेगी, चिमनी भी हम निकाल रहे हैं इसमें से। पहले किचन के ऊपर ना चूल्हे के ऊपर नापना होता है ताकि उसके सेंटर में बिल्कुल आए, तो उसके साइज नाप लिए तो फिर चिमनी निकाल रहे हैं। वाह, हम गए थे दुकान पे, इसको ऐसे हाथ टंगी हुई थी चिमनी, मतलब ऐसे ही थी, सैंपल था उसका, इसका तो ऐसे हाथ लगाए तुरंत चालू, हम डर गए कहाँ हो गए ये, तो फिर इसके बाद फिर से हाथ कर दिया इधर को, तुरंत बंद हो गई फटाक। देख रहे हैं भैया अभी वैसे ही चला के आपको दिखाएंगे। क्या तो मोटर लगी तो रहेगी, ये पंखा चोर कहीं तो आ गए, कर दो पानी जाकर आज लग गया, वहीं अंदर का यूज है मेरे कमरे में। तो देखो अब मिस्त्री भैया ना जा रहे हैं, अब इसमें इसको नाप के फिर इसको भी टांग देंगे, तो इंची टेप से नापेंगे पहले, उसके बाद इसको लगाएंगे। इधर आरओ भी लगा हुआ ना, तो बोर्ड एक ही है यहाँ पे, एक बोर्ड उस तरफ है जिस तरफ अलमारी बनी हुई है हमारी, उधर ये वाली अलमारी जहाँ पे उधर एक बोर्ड है फ्रिज उसमें लगा हुआ, और एक और स्विच इसमें है, उसी में इसको हम लगा लेंगे। दो बोर्ड हैं बगल बगल, उसी में इसको हम सेट कर देंगे। ये इसकी पाइप है, सिल्वर की होती है ये पाइप, सर इसको देख रहा कैसे है पाइप है। तब चिमन देखो माशाल्लाह टांग रहे, बहुत दिल खुश रहा था देख के, हमें तो बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि खाना पकाते रहो तो छींकते रहो खांसते रहो, अगर कुछ तड़का मारो ना फटाफट से छींक खांसी आने लगती है। तो भैया इसको पूरा सेट कर देंगे, तब आपको अभी चालू करके दिखाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक पहुँच जाइए बिल्कुल फ्री है। देखो चूल्हे के भी ढक के रख दिए हैं,
अब इसको चलो। इतना कट गया वो, इतना है जितने पानी इतना तेज हो गया। ये कितनी इतनी बड़ी होगी बस खाली है, इतनी बड़ी है कौन खुलेगी? ये खुल जाती है। अच्छा स्प्रिंग इसमें बढ़ती है, खुल जाती है। खुलेगी ये 9 फीट हो जाती है। फिर जब लगाने आएंगे तो पैसे नहीं लेंगे? पैसे नहीं लेंगे? नहीं नहीं, पैसे नहीं। तो गाइस अब हम चल रहे खाना पकाए, तो आज हम सोयाबीन की बिरयानी बना रहे हैं। यही बनाना है हमें, बच्चे खाना बहुत सारा रखा हुआ है इसलिए कह रहे मम्मी यही बना लेना। नए चूल्हे पे आज हम बनाए सोयाबीन की बिरयानी। किसी दिन मीठा बना के फातिया भी करा देंगे। दो चिमनी चले, कितनी मस्त लगी। और उसमें धुआं बहुत अच्छे से फेंक रहता है, पर अभी पाइप नहीं लगी है। पाइप आ जाएगी तब इसको लगा देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। अब ऐसे ही टांग कर चले गए हैं। देखो पाइप हमें लेनी पड़ेगी, एक और खरीदनी पड़ेगी क्योंकि छोटी पड़ी पाइप। किचन हमारा थोड़ा बड़ा है, यानी लंबाई उसकी ज़्यादा है बाहर निकालने की। तो गाइस आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।